रहीम कवि ने अपनी सुंदर वाणी से लोगों को आह्लादित किया है। उनकी रचनाएं अमर हैं। मध्यकाल से लेकर आज तक जो भक्ति की धारा बही है उसमें रहीम का बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन के तमाम अनुभव इन दोहों में डाल दिए और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जिसे सुनकर मन पवित्र होता है। वो कहते हैं, रही मन निज मन की विधा, रही मन निज मन की विधा, मन हीरा को, मन हीरा को, सुनी अठलई वाणी है कि जो मन में दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी आवेग हो, कोई भी अभाव हो, तो उसके मन के भीतर छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले जब आपके दर्द को, आपके दुख को, आपके अभाव को जानते हैं तो इठलाते हैं, आप पर व्यंग करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके दर्द को कोई भी बांटता नहीं, कोई भी सहेजता नहीं। आपका दर्द अपना है, निजी है और एकांत है। इसीलिए रहीम कवि ने आपको समझाया है, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन हीरा को, मन हीरा दुनिया में हम अपना सुख दिखलाते हैं, हम अपने आनंद को बांटते हैं, हम अपने सुख को भी बांटते हैं, लेकिन जब दुख बांटने लगते हैं तो हम बिल्कुल तन्हा अकेले होते हैं। उस समय हमारे दर्द को कोई बांटता नहीं, इठलाता है, व्यंग करता है। इसलिए रहीम ने सीख दी है कि अपने दुख को छुपा कर रखो और जब अच्छे दिन आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुनिया